हेलो एरुन स्टडी पॉइंट है आरसी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी कक्षा है, आज की कक्षा में हम बात करेंगे मूल कर्तव्य। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा संविधान सभा, किसको पढ़ा? संविधान सभा को पढ़ा। फिर संविधान के स्रोत पढ़े, संविधान की समितियाँ पढ़ी। क्या पढ़ी? संविधान सभा है, संविधान स्रोत है, संविधान की समितियां पढ़ी। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए। नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? नीति निर्देशक तत्व। और आज पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? मूल कर्तव्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासें हमने पॉलिटी की पढ़ ली। इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, अनुसूचियाँ। कौन सा? अनुसूचियाँ। आप पीछे की प्लेलिस्ट देखोगे ना, तो वहां पर आपको टॉपिक पाएगा शेड्यूल्स, अनुसूचियां। क्या पाएगा? अनुसूचियां। देखिए, मौलिक अधिकार हमने पढ़े 12 से 35 तक, भाग 3 में विस्तार से चर्चा किया। पिछली कक्षाओं को देखिएगा, शानदार ढंग से हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा है, उनसे बारे में भी कुछ नहीं जाने वाला। आगे है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए? राज्य के लिए। राज्य के लिए वो तत्व है, बाध्यकार तो नहीं है किंतु राज्य उनको माने, ये राज्य के ऊपर है कि राज्य यदि इनको मानेगा तो वो एक आदर्श के रूप में स्थापित हो सकता है। उसी प्रकार से मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य व्यक्तियों के लिए है, जनता के लिए है। यदि लोग उनको मानेंगे तो ठीक है, न मानेंगे तो एक आदर्श के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे। किंतु कुछ मूल कर्तव्य क्या है? बाध्यकारी हैं। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, हिंसा से दूरी रखना अर्थात अहिंसा का पालन करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं तो वो भी क्या है? एक संविधान के विरुद्ध है, अर्थात वो क्या है? बाध्यकारी हो जाएगा। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुछ मूल कर्तव्य जो बाध्यकारी हैं और कुछ है जो बाध्यकारी नहीं है। आप हमें हम वो पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको लिखा से भी दिए जाएंगे, बता सबके बारे में दिया जाएगा, किंतु याद वो रखने हैं जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहले मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का जिक्र कौन से भाग में है? भाग 4 कै में। अब देखो, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 कै। भाग 3 में है मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। इन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये कौन से अनुच्छेद में? 36 से 51। भाग 4 कै में क्या है? 51 कै अनुच्छेद। भाग 4 कै, 51 कै अनुच्छेद। और क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। ये याद रखना है, ठीक है? इतना हम पिछली 3 कक्षाओं में आज की कक्षा सहित पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब देखो, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अब देखो मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का विवरण किस भाग में है? भाग 4 कै में। याद रखना, कौन से भाग में? भाग 4 कै में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 कै। इसमें 4 ए आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 51 ए आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो आंसर सही होगा। अस्तित्व का मतलब है कब जोड़े गए? कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य शुरुआत में जोड़े गए। भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे या नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, किंतु बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। और कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए, ठीक है? सिफारिश किसने की मूल कर्तव्यों को लाने की? तो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। वर्तमान में कितनी संख्या है? 11 है। अब बात किया गई कि 10 तो 42 में जोड़ दिए, एक और कब जोड़ा गया? एक जोड़ा गया 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये क्या है? एक बाध्यकारी है, 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए जरूरी, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ये क्या है? एक बाध्यकारी है कि हमें शिक्षा क्या है? लेनी है, ठीक है? तो ये तो बाध्यकारी हो गए। और बाध्यकारी क्या है? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है, हिंसा न करना, ये हमारे लिए बाध्यकारी हैं। और बाकी जितने भी मूल कर्तव्य हैं वो आपको साइड में से स्लाइड पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। किंतु प्रश्न जो बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ से बनेंगे।
कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में, भाग चार कह में, कौन से अनुच्छेद में, 51 कह में, कब जोड़े गए, 42वां संशोधन 1976 द्वारा, कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। एक और कब जोड़ा गया, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया, कौन सा, शिक्षा का अधिनियम जोड़ा गया, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। बाकी के सारे मूल कर्तव्य आपको यहाँ दिख रहे हैं और आप इनको लिख सकते हैं, किंतु परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो इधर वाला पोर्शन है, वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।